बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादो आबाद और एकदम खुशहाल होंगे। बहुत ही ज़्यादा यार लंबे अरसे के बाद आज दोबारा से एक व्लॉग नया स्टार्ट हो रहा है। इतने दिनों से यार व्लॉग क्यों नहीं बन सका। एक सेकेंड यार मेरा ना सांस, मैं बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। आप सब लोगों से यार इल्तजा है कि भाई के लिए लाजमी दुआ करें। एक तो यार सबसे पहली चीज़ के मेरे अजीब सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द, स्टमक पेन अजीब से मेरा ना 3-4 दिनों से ये चल रहा था। तो मैंने कहा कल यार मैं डॉक्टर के पास गया हूँ मम्मा के साथ, तो उनको चेक वगैरह करवाया। उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ ही नहीं है, ये स्टूडेंट लाइफ में होता है। उसने सबसे पहले तो मेरे से पूछा कि यार आपके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह तो नहीं। मैंने कहा भाई मैं करे कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। तो ऐसा तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको कोई टेंशन, कोई ऐसी एनजाइटी वगैरह। मैंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काम को लेकर मैं कोई ऐसी टेंशन वेंशन नहीं लेता, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन तो रहती है ना। वो कह रहे यार उसकी भी नहीं लेनी, और अजीब अजीब से उसने सवाल वगैरह करना शुरू कर दिए, पता नहीं ये पता नहीं वो। फिर बस दवाई वगैरह दी है, और रात को उसने जो टैबलेट दिया ना मुझे भाई, वो खाते ही ना मुझे मैं ऑलमोस्ट 10-15 मिनट मैंने काम किया बैठ के, और उसके बाद यार मुझे एक एक चीज़ें चार चार नज़र आने लग गई। मैं यूँ बैठा हूँ ना तो सामने मैं यूँ पूरा घूम जाता एकदम। फिर मैं उठा भाई, मैंने सब कुछ क्लोज़ वगैरह किया और मैं जाकर फिर लेटा, और मुझे नहीं पता मैं फिर कब सो गया। मुझे इतनी यानी कि वो चक्कर आने लग गए थे ना, वो टैबलेट इतनी कोई नशे वाली थी कि मैं बता नहीं सकता भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ही ज़्यादा मैं अब बेहतर हूँ, और शायद आप लोगों की दुआएँ हैं और अल्लाह पाक का करम नवाजी है भाई। कुछ भी नहीं कह सकते हम यार, कुछ दिया लिया छोटा मोटा काम आ जाता है अल्लाह पाक की तरफ से। बाकी अल्लाह पाक मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को भी। और इतने लंबे अरसे तक यार व्लॉगिंग बंद रही, इतने लंबे अरसे तक नहीं भाई, कोई ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन ही ज़्यादा। अब आपका भाई गैप आपको पता डाल सकता ही नहीं, क्योंकि हम आप अपनी ऑडियंस से कितनी देर दूर रह सकते। और ये देखें अभी ये बाहर थे, अभी थोड़ी देर पहले, अभी जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, ये दड़ से अंदर भाग गए। और ये भाई वही वाले मुर्गे हैं, मुर्गा है जिसको मैंने यहाँ पे मेरे कंधे पे बैठा होता था। शायद आपने मेरी वीडियो देखी थी कि भाई मेरा न्यू पेट आ गया, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मेरे कंधे पे बैठा हुआ। और जब ये अपने अंडे में से निकला था ना, उस टाइम से लेकर मैंने इसको बड़े नाजो प्यार से पाला, और अब ये भाई मुझे अपने करीब भी नहीं आने देता। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर आया, एक सेकेंड। नहीं, जब तक मैं व्लॉग बनाता रहूँगा ना ये बाहर नहीं आएगा। पता नहीं इसको यार कौन सा ऐसा सीन है यार कि क्या, एक तो होता है कि लड़कियाँ होती हैं व्लॉग बनवाती हैं, बनाने से शर्माती हैं कई कई लड़कियाँ, तो इसके मुझे लग रहा है वही वाला सीन है भाई। तो फिर से आपका भाई व्लॉगिंग की दुनिया में आ चुका है, और इंशाल्लाह यार मैं तो अपनी पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ कि यार पूरी से पूरी कोशिश के भाई व्लॉग डेली से डेली बन सके। लेकिन अभी भी मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ ना मोबाइल, तो मेरे इस हाथ में इतना पेन हो रहा है ना, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए यार ये सब कुछ कर रहा हूँ। तबीयत अभी भी मेरी कोई ढीली ढाली है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देगा। मुझे अपने रब पर कामिल यकीन और एतबार है, बस यही होना चाहिए इंसान को, बाकी अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर करता है। और आप लोगों के साथ भी यही होना चाहिए। अभी मेरी ये वाली पहले आँख ये वाली सूजना स्टार्ट हो गई थी, पता नहीं इसको क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आती भाई। सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें अजीब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी मैं ऊपर बैठा हुआ था यहाँ धूप में अपनी चेयर रखकर, और धूप भी यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो गई है भाई। तो अभी बस नीचे जाता हूँ, क्योंकि मेरी दोबारा से तबीयत वही स्टार्ट। मुझे फ्लू इतना रहता है यार सर्दियों में कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग बताएं, आप लोगों को फ्लू मैंने कि बुरा लगता है कि नहीं लगता, और कौन सी ऐसी बीमारी है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, इरिटेट करती है, लाजमी बताइएगा। और बहरहाल आज का व्लॉग इसलिए मैंने दोबारा से व्लॉगिंग के दुनिया में नए हम दोबारा से आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से अपनी दोबारा से एक नई इंट्रो करवा दें इतने टाइम के बाद से। तो इंशाल्लाह ताला अब व्लॉग वैसे ही बनते रहा करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग भाई के लिए दुआ करते रहा करेंगे। उम्मीद करते हैं व्लॉग दोबारा से आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें। इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो मस्त है, कुछ भी दिल करें दुआओं में याद रख करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दम पर दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें।